जय हिंद दोस्तों। बिहार होमगार्ड भर्ती 2009 पटना जिला का 6 मई का फिजिकल का मेरिट जारी कर दिया गया है, जो कि 6 मई का पुनपुन और पाली प्रखंड का दोनों का हुआ था, जिसमें 25 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। लेकिन दोस्तों अभी तक आप मेरिट नहीं देखे हैं तो आप वीडियो में बने रहे। साथ में एक और जानकारी आप लोग के देने वाला हूँ इस वीडियो में कि कितने नंबर वाले को फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बारीकी से जानकारी देने वाला हूँ, तो आप मेरे वीडियो में बने रहे और वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों देखिए, मेरे पास विज्ञापन है जो कि नवंबर 2009 में यह विज्ञापन निकाला गया था, जो कि 5356 पूरे आपको बिहार के लिए जो भी जिले थे 29 उसमें निकाला गया था। यह पोस्ट भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको पटना जिला का मैं दिखाना चाहता हूँ कि पटना जिला में कितना टोटल पोस्ट था उस समय। देखिए यहाँ पर पटना जिला का फर्स्ट में है जो कि 150 ग्रामीण यानी देहात के लिए था, और शहरी आपको 427 यानी टोटल पटना जिले में 577 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। इसी आधार पर आपको बताने वाला हूं कि कितने नंबर लाने वाले को फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो चलिए मैं ऑफिशियल साइट पटना जिला के चलता हूँ, वहाँ पर देखता हूँ। दोस्तों देखिए, मैं ऑफिशियल साइट पर आ गया हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हैं कि आज का दिया गया है यहाँ पर बिहार गृह रक्षक वाहिनी 6 मई 2022 का यह मेरिट है। तो चलिए इसे डाउनलोड करके हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए यह पेज ओपन होकर आ गया। यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा आपका पीडीएफ भी आ जाएगा आपके सामने। देखिए दोस्तों आ गया। तो ऊपर कुछ खास नहीं दिया गया है, सभी आपको कार्यालय द्वारा ऊपर में दिया गया है, सेवा में श्रीमान जो भी आपका विषय है यह दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपको यह 25 कैंडिडेट का फिजिकल मेरिट लिस्ट ऊपर में आप पढ़ सकते हैं। विज्ञापन संख्या 01 के तहत गृह रक्षक के स्वच्छ नामांकन के तहत शारीरिक क्षमता जांच में यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थी के प्राप्तांक जो आया है यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से फर्स्ट में आपको कैंडिडेट जो है यहाँ पर देख सकते हैं, इनका भी नंबर है 6 नंबर। इसमें पहले हम 12 नंबर वाले को काउंट करेंगे, उसके बाद आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। 12 और 10 नंबर, 11 नंबर सभी का काउंट करेंगे 9 नंबर तक, उसके बाद आपको बताऊंगा कितना पर मेरिट जाने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि ग्रामीण में 150 पोस्ट है, तो लगभग आपको 9-10 यही सभी प्रखंड में सीट होने वाला है। तो अगर प्रखंड वाइज भी बनता है तो वही मैटर है, और अगर आप जिला वाइज भी बनता है तो वही मैटर होने वाला है। तो यहाँ पर चलिए 12 नंबर केवल एक ही अभ्यर्थी है यहाँ पर देख सकते हैं, जिनका नाम है सुभाष कुमार, पिता राजेंद्र सिंह, यहाँ पर देख सकते हैं यह 12 नंबर लाए हैं। जो कि ऊंची कूद में इनको 3 नंबर मिला है, और लंबी कूद में 4 नंबर, और गोला फेंक में 5 नंबर, यानी टोटल इनको 12 नंबर मिला है यहाँ पर देख सकते हैं। उसके नीचे में एक कैंडिडेट है 10 नंबर भी देख सकते हैं, संतोष कुमार इनका नाम है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में आप देख सकते हैं सीरियल नंबर आपको 12 और 13 में 2 कैंडिडेट है, इन लोगों का 10-10 नंबर आया है। तो देख लीजिए दोस्तों 10 नंबर के यहाँ पर फर्स्ट पेज में केवल 3 कैंडिडेट हैं और एक 12, तो आपको 4 कैंडिडेट हुए यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी देख सकते हैं, आपको सेकेंड पेज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यह कैंडिडेट है दीपक कुमार, इनका भी आया है यहाँ पर देख सकते हैं 11 नंबर 11 नंबर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यही कैंडिडेट है 11 नंबर, तो यहाँ पर आप कैंडिडेट हाईएस्ट में जोड़ लीजिए, एक इधर कैंडिडेट है और आपको 1, 2, 3, 4 कैंडिडेट हाईएस्ट नंबर है। तो दोस्तों आपको अगर 9 नंबर 8 नंबर भी आया है तो मेरिट फाइनल बनने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 9 नंबर भी काफ़ी नहीं है, यहाँ पर 9 नंबर वाले को भी आप जोड़ सकते हैं, 1, 2, 3, 4 4 यहाँ है फर्स्ट आपको पेज में। उसके बाद यहाँ पर दूसरे पेज में 5, 6
छह कैंडिडेट है, तो यानी दोनों मिलाकर 10 कैंडिडेट हो रहे हैं, तो 8 नंबर लाने वाले को फाइनल इसमें सिलेक्शन होने वाला है। कल आप सभी का मेडिकल भी होने वाला है, जो कि आप लोग जानते होंगे सदर हॉस्पिटल में मेडिकल होगा। तो दोस्तों आप सभी को 8 नंबर से मेरिट बनने वाला है, अगर प्रखंड वाइज भी बनेगा तो आपको, और मेरा उम्मीद है कि आप सभी का प्रखंड वाइज भी मेरिट बनने वाला है। तो दोस्तों आप सभी अपना सब कुछ तैयार करके डॉक्यूमेंट रखें, क्योंकि आप सभी का जल्द से जल्द ज्वाइनिंग भी मिलने वाला है। क्योंकि देखिए आज आपको गैप होगा, कल आप सभी का मेडिकल 8 को दिया गया है। तो दोस्तों आप सभी के लिए यह जानकारी है, और कुछ भी जानकारी हमसे आपको लेना है तो आप कमेंट करके हमसे जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।